जय बद्री विशाल। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। मुसलमानों के केसेस वापस क्या बताइए आप? सर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए, ये कोई बराबरी है? बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है? हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे क्या सर? मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओकी पहाड़ी में। आज के वीडियो में आप देखेंगे कैसे सुशांत सिन्हा ने ओबीसी को अपने प्रश्नों के जाल में उलझा कर रख दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है ओवैसी साहब, लेकिन तमाम मसाइल उठा सके। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? गरीब की बात क्यों करते हैं? मजलूम की बात तो क्यों करते हैं? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? सही पकड़े हैं। इसलिए धर्म देखता हूं क्योंकि भारत में जो डेटा निकलता है वो ये बताता है मुझे और आपको, और जब डेटा हम पढ़ते हैं तो खून के आंसू भी नहीं निकलते। आजकल हम कहां कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ किससे होगा, जालिम से इंसाफ होगा या मजलूम से इंसाफ होगा? इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए ना। अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों का केसेस वापस लिया बताइए आपने? तो अगर मुसलमानों पूछ रहे हैं नहीं, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे, मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे? आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए, ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है? प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है? बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है? 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है? प्रज्ञा ठाकुर अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है? अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार हैं, तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है, तो भेजा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए उनको गैंगस्टर बोलेंगे आप? वो जो बीजेपी का एक एमपी है जिस पर रेप का चार्ज है उसको गैंगस्टर नहीं बोलेंगे? तो आपके लिए लोग आप ये सिस्टम तोड़ने आएंगे या आप कहेंगे कि तुम्हारे 37% है? नहीं हुआ है सर, लॉ के लिहाज से ओवैसी साहब, आप ये सिस्टम तोड़ेंगे या आप कहेंगे कि तुम हिंदू गैंगस्टर हो, मुसलमान गैंगस्टर हो, सब आ जाओ यहां पर और मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो? आप सिस्टम बदलने आ रहे हैं या उस सिस्टम को बढ़ाने आ रहे हैं? सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सत्ता में सिस्टम बदल रहे हैं, जो सत्ता में रहकर टिकट दिए 14-17 में, वो क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हैं वो। और अगर एक ब्राह्मण समाज के लड़के को लखनऊ में एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट का है, और दूसरों पर गोली चलाई जाती है, पेटों में गोली मारी जाती है, जेल में घुस के मारा जाता है तो पुलिस को अवार्ड दिए जाएंगे? आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो कम से कम तरफदारी मत करिए। नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हुआ सर, गलत को गलत के तराजू पर बराबर करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप जब आते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान है, समझदार नेताओं में से हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है, ये मैं मानता हूं, आपसे मिला हूं, आपसे कई बार बात करता हूं, आप बहुत जहीन तरीके से समझते हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का ये, क्या ये पार्टी नहीं के दो एमपी भारत के सब सर? सुनिए नहीं सर, आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं,
मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्टोरल कमीशन की वेबसाइट पर देखेंगे, मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP है जो भारत के संविधान पर ओत लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे, कितने पार्टीज में आपको बता दूं, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, बुरी बात, मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस, और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्यूनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर चौथी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। चौथी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठाया। आप आइए औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूँ। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूँ और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूँ, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम, आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना, आपके बोलना चाहिए। ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल आपका हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी। लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर, बात हो रही है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बात आप समझने से कासिर हैं। संविधान के तहत हुआ मैं मान गया, पर मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? सबकी एकता की बात कीजिए ना सर। अरे मेरे सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारत के संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है संविधान को। मैं आपको बता रहा हूं, 1960 से हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या पैगाम मिल रहा है आपको? मुझे पैगाम अब गलत मिल रहा है क्या आपको? नहीं तो मुसलमान हटाने से दिक्कत क्या है सर? कौन कह रहा है कि किसी मजहब को आपको वोट नहीं पड़ेगा क्या? अगर मुसलमान हटा देंगे, अगर आप मुसलमान हटा देंगे उसमें से, तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं सर, वोट पड़ना नहीं पड़ना है तो अल्लाह तय करेगा ना, जनता तय करेगी। तो जो इलेक्शन जीतता भी हूं, हारता भी हूं, तो इसमें बुरी बात आप है? फिर माने बैठे हैं कि आपको वोट वही देगा जो अल्लाह की सुनता है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हारते हैं, आप माने बैठे हैं ना कि वोट आपको वही देगा जो अल्लाह की सुनता है, जो श्री राम की सुनता है वो नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, राजमोहन कॉरपोरेटर ने अमित शाह के आने के बाद भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया, राजमोहन उसका नाम है। अब आपको और क्या बताऊं मैं, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरे, आप किसी और चैनल में काम कर रहे थे उस वक्त, तो आपको कई हमारे मेन नॉन मुस्लिम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप भूल गए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। मैं तो चाहता हूं जो मुझे वहां दिखा वो हर जगह दिखे। आप यूपी में भी आकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें, आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, वहां दिक्कत होती है। आप कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई, मस्जिद शहीद होना आपका मुद्दा है या मुसलमानों को एजुकेशन मिलना मुद्दा है? देखिए देखिए, आपकी आपको या तो आपको एमनीसिया हो चुका है या फिर आपको, मैं समझ रहा हूँ कि ज़ईफ़ी जल्दी आ गई आपको। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। या आप नौजवान आदमी, इतना जल्दी क्यों बोल रहे हैं आप?